दादी नानी फोकट में वही एडवाइस दे रही है, धनिया खाओ, जीरा खाओ और ये अजवाइन खाओ, आपके पेट की गैस खत्म हो जाएगी। और ये 3,500 साल से वैसे का वैसा ही है, अजवाइन खाओ तो गैस खत्म होती ही है। कभी भी आप करके देख लो, आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो पेट में, एसिडिटी की तकलीफ हो, आज से शुरू कर दो आप। खाना खाया तो उसमें ध्यान रखो अजवाइन ज्यादा रहे, दाल में, सब्जी में वगैरह में। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खत्म करते ही थोड़ी अजवाइन खा लो। अजवाइन ज्यादा तकलीफ ना कर दे, उसका बैलेंस है काले नमक के साथ, तो थोड़ा अजवाइन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खा के देख लो। 3 दिन में ना आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार हूं। ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, ये गारंटी अजवाइन दे रही है, मेरी गारंटी नहीं है, अजवाइन की गारंटी है। तो वो कहते हैं बागवत जी की पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन। अब तीसरी चीज पे आते हैं, पित्त को सम रखने के लिए अजवाइन के बाद जो तीसरी चीज अपने रसोई में है वो है जीरा। जीरा दो तरह का है, एक सफेद और एक काला, है ना। काला जीरा सफेद से भी अच्छा है। आप एक नियम ध्यान रख लो, मैंने आपसे कल कहा था, जिस चीज का रंग जितना गहरा वो उतनी ही अच्छी, भगवान की बनाई हुई, मनुष्य की नहीं। मनुष्य ने तो पेंट भी बना दिया है बहुत गहरे रंग का, भगवान की बनाई हुई हर चीज में ये नियम आप देखना कि भगवान की प्रकृति की बनाई जो चीज जितने गहरे रंग की है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है। तो जीरा दो है, एक सफेद और एक काला। काला जीरा सबसे अच्छा पित्त को खत्म करने के लिए, सम रखने के। तो आपके रसोई में एक हो गया घी देशी गाय का पित्त को खत्म करने, दूसरा हो गया अजवाइन, तीसरा हो गया जीरा, और एक चीज हींग। हींग तो आप सब समझते हैं, हींग, हींग भी भगवान की बनाई हुई है, आदमी ने नहीं बनाई। हींग के पहाड़ होते हैं, जैसे पत्थर के पहाड़ होते हैं ना, वैसे हींग के पहाड़ होते हैं, हींग वहीं से आती है। तो हींग है, जीरा है, अजवाइन है और देशी गाय का घी। अब इसके नीचे आता है धनिया। धनिया दो तरह का है, एक सूखा और एक हरा। जब तक हरा उपलब्ध है आप खाइए, जब नहीं है तो सूखा खाइए, दोनों की क्वालिटी एक ही है। सूखे धनिया में कोई कमी नहीं आती। आपके मन में ये प्रश्न है ना, हरे पत्ते का धनिया में कुछ ज्यादा होगा सूखे में कम, बिल्कुल नहीं है, दोनों में बराबर है। सूखने के बाद भी उसके गुणधर्म में कोई कमी नहीं। अब ऐसी पूरी लिस्ट है, मैंने तो आपको 5-7 बता दिया पित्त को कम करने के लिए क्या क्या, आपको पूरी लिस्ट है तो 108 है। 108 पित्त को खत्म करने के लिए रसोई में 108 चीजें हैं। वो पूरी लिस्ट देखनी है तो वो किताब है, आप ले लेना। एक स्वदेशी चिकित्सा किताब हमने बनाई है और एक बनाई है गंभीर रोगों की चिकित्सा, इसमें ये सूची है। और थोड़ी सी अष्टांग हृदय के भाग 3 में भी है, भाग 2 में भी है, थोड़ी थोड़ी है।